हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केवी ब्लॉग। सो आज है मेरे बैंकॉक का डे 3। जैसे कि आप देखेंगे, ये है पूरा व्यू और आज हम लोग जा रहे हैं वेरी एक्साइटेड जगह और वो है कोरल आइलैंड, बिकॉज आज लोग हम फर्स्ट टाइम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। सो आगे ब्लॉग पे बने रहिए, आपको दिखाएंगे कि हमने पैरासेलिंग करा, दूसरा सी वॉक करा, तीसरा बनाना बोर्डिंग राइड करा। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे यहाँ पे, पटाया सिटी का व्यू पॉइंट है, वहाँ से हम लोगों ने बोट लिया जो कि हमें लेके जाएगा कोरल आइलैंड। अमेजिंग, बहुत ऑसम फीलिंग था, बहुत ऑसम फीलिंग, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, तो बहुत अंदर से एक खुशी होती ना, आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग कि उस टाइम क्या फील कर रही थी मैं। सो ये था, यहाँ से हमने बोट लिया, हमारे कुछ ग्रुप थे, 4-5 फ्रेंड्स थे हम लोग। सो हम लोग गए, यहाँ से बोट लिया, सीधा निकल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर, जो कि हमें जाना था, हमारी मंजिल थी कोरल आइलैंड। तो ये है रास्ते का व्यू। अगेन बोट में भी पहली बार बैठी थी तो बहुत स्कैरी था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत फास्ट चलने वाला था ना, बहुत स्पीड बहुत तेज थी इसकी। सो ये था कोरल आइलैंड जाते हुए कुछ व्यू, इन्जॉय कीजिए। सबसे स्कैरी वाला पार्ट ये था, जो पीछे से देख के ये पूरा एरिया दिख रहा था, ये बहुत स्कैरी था। और इसके पास थोड़ा सोचा, थोड़ा खुद को भी कैप्चर कर ले, ये मैं चिल्लाते हुए इन्जॉय करते हुए, और ये हमारा बोट अपनी स्पीड पे जाते हुए। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए कोरल आइलैंड, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ से हम लोग करेंगे पैरासेलिंग। अगेन बहुत स्कैरी था, अंदर से डर तो लग रहा था बट एक्साइटमेंट भी उतनी थी, क्योंकि बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो वाला फीलिंग था। तो इस सेफ्टी गियर पहना, सेफ्टी गियर पहनने के बाद इन लोगों ने मेरे को उड़ा दिया ऊपर आसमान पे, बोट पे बांध के। ये था एंजॉय करते 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 करते, नीचे से डर लग रहा था पर ऊपर जाके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लगा ऐसे ही लटकी रहूँ पूरी ज़िंदगी, मज़ा आया ऊपर से। मैं आप उसने डिप करा, ये पहले तो स्कैरी लग रहा था, मना कर रही थी, बट फिर बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ पर बनाना बोटिंग राइड पे। ये था कोरल आइलैंड का व्यू कुछ इस तरीके से, पानी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, खारा पानी था, बहुत खारा पानी। उधर से आती हुई हमारी बोट, पर लास्ट में बहुत स्कैरी था जब इसने पानी में हमें डिप करा ना, बहुत स्कैरी था यार, ऐसा लगा लास्ट डे आज मेरा। सो एंजॉय कीजिए हमारे साथ, बने रहिए चैनल पे और अपना प्लान ज़रूर बनाना थाईलैंड बैंकॉक जाने का अपने फ्रेंड्स के साथ। सो ये निकल गई हमारी बोट, पूरा बीच समुद्र में से लेके गया है हमको। सेफ्टी गियर्स कुछ भी नहीं थे इसमें, बस अपने हाथ में था सब कुछ। ये चिल्लाते हुए, और ये उसने हमें पानी में धक्का दे दिया। यहाँ पे तो वाला फीलिंग आ रहा था, बचाओ बचाओ वाला, बिकॉज बहुत स्कैरी था यार, ऐसा लगा लास्ट डेट है हमारा। और हमारे साथ का अभिषेक, ये तो बेचारा कॉन्शियस ही हो गया, ये तो सुन पड़ गया, उसके बाद बात ही नहीं करी इसने पूरे दिन। सो गाइस, ये था हमारा डे 3 जो कि हमने बहुत इन्जॉय करा, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बने रहिए वीडियो पे,
कल आपको दिखाऊंगी मैं टाइगर पार्क थाईलैंड में। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।